सैनी, महामंत्री जयपुर व्यापार महासंघ। केंद्र सरकार का आज बजट पेश हुआ है 2024-25 के लिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है बजट पर? देखिए, तीसरा बजट और संतोषजनक बजट। जहाँ तक सवाल ज्वेलरी का और इस पर है, जो टैक्स को कम किया है 12 से 6% किया है, स्वागत योग्य है। इनकम टैक्स स्लैब में पूरी छूट तो नहीं मिली, लेकिन कई जगह परसेंटेज वाइज छूट दी है, वो भी स्वागत योग्य है। जहाँ तक GST का और जिस संगतियों का सवाल था हमारा कपड़े में हम चाह रहे थे कि एक स्लैब रखा जाए, चाहे वो रेडीमेड हो चाहे वो गारमेंट्स हो, लेकिन एक नहीं मिल पाया है। मैं कोशिश से आने वाले बजट में ये सब सुविधाएं मिलें। राजस्थान के लिए कई औद्योगिक नीति में उन्होंने घोषणा की है, स्वागत योग्य। कुल मिलाकर बजट जो है वो संतोषजनक बजट है। सुभाष गोयल, सदस्य राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार। आप क्या कहना चाहेंगे बजट जो केंद्र सरकार का पेश हुआ है उसके संबंध में आपकी प्रतिक्रिया? मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही संतुलित, बहुत ही अच्छा बजट है, जिसमें व्यापार को बढ़ाने के लिए आपने जो काम किए हैं वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया है। 100 शहरों को ब्लैंक टैंक प्ले औद्योगिक पार्क बनाना, साथ ही 12 औद्योगिक पार्क मिलने की मंजूरी दी, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा पर जो आपने जोर दिया है, 5 साल में 1000 ITI का उड़यन होगा, 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही महिलाओं के लिए भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। बजट में कैंसर की दवाइयों को भी बड़ी राहत दी है, दवाओं के अलावा GST को, और साथ में GST के बेहतर बनाने के लिए मोबाइल है, सोना चांदी पे जो आपने आज जो टैक्स कम करके हमारे गांव की महिलाएं जो आज अपनी शादियों में अपना काम करते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा राहत का काम किया है। दवाइयों में कैंसर, एक्सरे के उपकरण, मोबाइल बैटरियों पर भी आपके द्वारा जो छूट दी गई है, ये भी एक अपने आप में सराहनीय छूट है। कैपिटल गेन प्रक्रिया को भी सरल किया है, 2/3 लोगों को नए टैक्स से रियायत मिली है दोनों, और साथ ही साथ तांबे में, चमड़े में लेदी बैटरी, चांदी का आयात सस्ता होगा, सोने के कस्टम ड्यूटी में भी आपने जो 15 से 6% की है, ये भी एक स्वागत योग्य है। व्यापारियों के हित को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे बजट के? नहीं, व्यापार बजट में जो मैं बेहतर तरीके से होगा, जो आज व्यापारियों के लिए जो समस्याएं थी उनके लिए भी आपने कहा कि GST और अन्य डिपार्टमेंटों को बिल्कुल सरलीकरण से किया जाएगा, जिससे कि आने वाले जो अर्थव्यवस्था आज पूरे हिंदुस्तान की जो तीसरी पे पायदान पे आने वाली है उसमें निश्चित ही इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने वाला है ये बजट? बिल्कुल होगा, निश्चित ही होगा, और पूरा समय मिलेगा, खाली घोषणाएं मात्र नहीं रहेगी, क्योंकि उनको पूरा 5 साल का समय मिलेगा काम करने के लिए, तो निश्चित ही पूरा काम भी होगा। आपका परिचय? मेरा नाम श्रेया नंदवाना है, मैं जयपुर से ही रहने वाली हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जयपुर सेंट जेवियर्स कॉलेज से करी है, और इसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन MBA इन मार्केटिंग आर्य पोदार से करी है। इसके अलावा मेरा वाकल एग्री सॉल्यूशंस करके मेरा खुद का एक स्टार्टअप है, जिसमें हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लस हम डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। केंद्र सरकार के द्वारा पेश हुए बजट 2024-25 पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने काफी अच्छा बजट निकाला है इस बार, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के काफी वुमेन के बारे में सोच करके निकाला है। विमेन हॉस्टल्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। एक हमने मुद्रा लोन निकाला है, जिसके अंदर सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मुद्रा लोन दिया जाएगा, प्लस जिनका पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट ट्रैक काफी अच्छा है, उनको 20 लाख तक का लोन मिलेगा, जिसमें विदाउट एनी कोलैटरल आपको काफी इजी मिल जाएगा लोन लेना। तो आई बिलीव कि काफी अच्छा इस बार बजट निकाला गया है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। केंद्र सरकार के द्वारा पेश हुए बजट 2024-25 पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? केंद्र सरकार द्वारा दिया गया आज बजट सभी कास्ट वर्ग के लिए अच्छा रहा है, सैलरी क्लास के लिए काफी अच्छा रहा है। सैलरी क्लास में बेसिकली 50,000 से 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन का इंक्रीज किया है। एक फैमिली पेंशन होती है जिसमें 15,000 से 25,000 दी गई है,
इसके अलावा बेसिकली रूरल एमएसएमई और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा फोकस किया है। रूरल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट में 2024-25 के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का बजट फंड अलोकेट किया है, जो अगले 5 सालों में रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, स्किल डेवलपमेंट को इनमें प्रमोट करेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है विकसित भारत 2047, इसको देखते हुए बजट को कहां देख पाते हैं आप? बेसिकली ये वर्ष 2047 के ध्यान रखते हुए बजट प्लान किया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोलर डेवलपमेंट, एमएसएमई डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, इन सभी पे फोकस किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैं मनीष गोयल, पेशे से प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, 1995 से प्रैक्टिसिंग कर रहा हूँ। आज मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया। कुल मिला के इस बजट में जो मोदी सरकार की धाक रहती थी वैसा बजट न दिखकर एक NDA का अलायंस का बजट दिखा। सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने लेकिन एक चीज़ है जो फिस्कल डेफिसिट है, इन्होंने 4.9% लाने की कोशिश की, जो एक अच्छा कदम है। कुछ स्कीमें हैं जो इन्होंने बेरोजगार के लिए ज़्यादा लॉन्च की है, कुछ सैलरी क्लास को बेनिफिट दिया है, कुछ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इन्होंने बेनिफिट दिए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% कर दिया है, जिसमें प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड की गई है, लेकिन उसमें एक बेनिफिट किसी के लिए हो सकता है किसी के लिए नहीं हो सकता है, वो 12.5% किया गया है। इंडेक्सेशन को रूल आउट कर दिया गया है, तो कैलकुलेशन सबका अपना अपना रहेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वालों के लिए 50 से 75% तक कर दिया गया है। कुछ सूर्योदय योजना है जिसमें 300 यूनिट हर घर को, 1 करोड़ घर जो है उन लोगों को फ्री दी जाएगी। कुछ अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए उन्होंने मुद्रा स्कीम 10 लाख से 20 लाख तक कर दी बिना सिक्योरिटी के, जो उन्हें बिजनेस करने के लिए लोन वगैरह मिलेंगे। लॉन्ग टर्म शेयर पे 12.5% और शॉर्ट टर्म पे 20% कर दिया गया। इनिशियली पहले जो था 10% और 15% था, तो कुल मिला जुला असर शेयर बाजार पे भी असर पड़ेगा इसका। कुल मिला के मिला जुला बजट है, मोदी सरकार ने अपनी जो धाक की छाप थी उसकी जगह एक अलायंस वाला बजट एक क्लियर कट दिखता है। जी